कलयुग में एक ही भगवान है, हनुमान जी। हनुमान जी यानी ध्यान। उदय निधि स्टालिन धर्म को गाली नहीं दे रहा है, उदय निधि स्टालिन अज्ञानता को गाली दे रहा है। तुम्हारे पास राम रूपी रसायन है कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप है अपने आप को कमजोर समझना। पढ़ना उड़ना नहीं, आराम से बैठो और कहानी को गौर से सुनो और कनेक्ट करो। मतलब हम जब तुमको मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री और मॉडर्न इंडिया पढ़ा दें तो तुम्हारी जिंदगी में एक कमी पूरी हो जानी चाहिए कि अब तुमको इस बात का वो ना रहे कि पढ़ना कैसे है और पढ़ना क्या है। अगर ये दो चीज तुमसे सीख ले गए तो आईएएस की परीक्षा तो बहुत छोटी हो जाएगी तुम्हारे लिए। तुम ही आके कहोगे हमसे कि अब ना देंगे गुरुजी। जिसका दिमाग का दायरा बड़ा हो गया वो तुमको तो डर लगता है इस वक्त ना, क्योंकि तुमने अपनी शक्ति को अभी खोला नहीं है तो तुमको डर लग रहा है कि भगवान किसी तरह से कोई नौकरी मिल जाए बस। तुम अभी भयभीत हो गए क्योंकि तुमको शक्ति से अपने परिचित नहीं हो। तुम्हारा हाल हनुमान जी वाला है कि समंदर सामने देखे कि ये कौन पार करेगा, बोले तुम ही करोगे। ये स्टालिन जो धर्म को गाली दे रहा है, उदय निधि स्टालिन, वो हिंदू धर्म को थोड़ी दे रहा है, वो हिंदू धर्म की अज्ञानता को गाली दे रहा है। समझो इस बात को, हिंदू धर्म को कौन का धर्म को कौन गाली देगा। क्योंकि मैंने पिछली बार भी तुमसे क्लास में पूछा, कई बार मैंने लोगों से पूछा, अब कितने लोग हो इस क्लास में जिन्होंने हनुमान चालीसा कम से कम 50 बार तो पढ़ी होगी। कितने लोगों ने पढ़ी? 1, 2, 3, 4, 5। तुमने पढ़ी? 8 सिद्धियां गिनाओ। ले देखो, इसको गाली दे रहा था वो। अरे 50 बार तुम्हारे सामने से एक लाइन गुजरी, अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता, और तुम चापे जा रहे, चापे जा रहे, तुमको कह रहा मतलब ही नहीं हमको ये क्या लिखा हुआ है। तुम उसको नाहक में गाली दे रहे हो, उदय निधि स्टालिन को। सही कर रहा है वो कोई गलत काम थोड़ी कर रहा है। क्योंकि जिसने हनुमान चालीसा जो समझ जाएगा वो कमजोर रह ही नहीं सकता। कलयुग में एक ही भगवान है हनुमान जी। कलयुग से तुम्हें एक ही आदमी बता सकता है, हनुमान जी। हनुमान जी यानी ध्यान। सोचो तुम 50 बार से ज्यादा पढ़ चुके होगे, तुमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। कल बताना मुझे 8 सिद्धियां, अष्ट सिद्ध और 9 निधियां। लोग तड़पड़ा रहे, उदय निधि स्टालिन गाली दे रहा, अंधविश्वास को गाली दे रहा। 50 बार पढ़े, उसमें लिखा हुआ है राम रसायन तुम्हारे पासा। तुम्हारे पास राम रूपी रसायन है। तुम कह रहे हो हमारे पास भैया है ही नहीं। है कभी स्टालिन वो कारगिल पार्क में टहलना, उसमें विवेकानंद के बड़े सारे कोट्स लिखे हुए हैं। उसमें एक कोट बड़ा प्यारा है, एक ही लाइन का है कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप है अपने आप को कमजोर समझना, क्योंकि तुम हो ही नहीं। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। एक घंटा अपनी सांस पर ध्यान दे दो, अगर लग जाए तो शरीर में कोई व्याधि नहीं बचेगी। एक घंटा, जो कि नामुमकिन है, अभी करके देख रहे थे 20 मिनट के लिए सिर्फ। वो इतनी महान किताब है, छोटी सी, वो इतनी महान किताब है वो, लेकिन उसको खोलने के लिए
एक गुरु चाहिए, क्योंकि पहली लाइन वहीं से शुरू होती है, श्री गुरु चरण सरोज रज। तुम अकेले ना जान पाओगे उसका राज, तुमको खुद से वो नहीं पता चलेगी। तुमको एक आदमी चाहिए जो तुम उसको, जो तुमको हर लाइन का मतलब बता दे कि देखो बेटा ये इसका मतलब ये है। और लास्ट में है जो ये पढ़े, हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरी सा, शंकर जी जैसा बना। हनुमान जी कह रहे हैं कि हमको स्मरण करोगे हम तुमको शिव जैसा बना देंगे। उदयनिधि स्टालिन धर्म को गाली नहीं दे रहा है, उदयनिधि स्टालिन अज्ञानता को गाली दे रहा है। मैं उसकी बात का बुरा ही नहीं माना, क्योंकि जो हनुमान चालीसा समझ जाए मार दे एक हाथ धरती उरती फट जाए तुरंत। शक्ति ही यही है। चार भाई हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। चार भाई चार चीज के सूचक हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तीन माए तो तीन गुण है जीवन में, सत्व रज तम। कभी तुमको रामायण रामचरितमानस का मतलब क्या है अगर ये वास्तव में समझना है तो हमारे एक संत हैं बहुत बड़े भारत में, धारकुंडी महाराज, उनकी व्याख्या है रामायण की, पढ़ लोगे ना तीन चार आंख अपने आप खुल जाएगी घटाक से। हिंदी में व्याख्या, हिंदी में मानस की व्याख्या। संतों का डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे तो जीवन में बहुत फायदा होगा। पुरोहित अच्छा काम करते हैं, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन उतनी गहराई से उनको धर्म की पकड़ नहीं होती। पुरोहित को सिर्फ थ्योरी पता होती है, जरूरी भी है किसी भी धर्म का पुरोहित हो, हिंदू मुसलमान किसी भी धर्म का। तो हसन बसरी बसरा के थे, शेख सूफी थे, उनको नदी पार करके जाना होता था डेली। तो मस्जिद के मौलाना से उन्होंने कहा कि मौलाना साहब डेली नदी पार करना पड़ता है, 50 पैसा देना पड़ता है। तो मौलाना ने कहा कोई जरूरत नहीं है यार, दुआ पढ़ लिया करो, दुआ पढ़ के और नदी पे चले जाया करो इसे चलते हुए। तो उन्होंने कहा ठीक है, वो गए दुआ पढ़े और पार हो गए चलते चलते। अब वो डेली यही करते थे, चल के चले आते थे उतर आते। एक दिन मौलाना साहब फंस गए नदी किनारे, रात में नाय बंद हो गई। मौलाना साहब बसरी साहब को मिले, बोले यार हसन यार नदी पार करनी है। अरे बोले क्या, आप ही तो बताए थे हमको कि दुआ पढ़ लो निकल जाओ, आप भी पढ़ के निकल जाओ। तो बोले तुम निकल जाते हो? अरे बोले है तब से तो यही कर ही रहे हैं। तो दुआ पढ़े हसन साहब और नदी पे चलते हुए चले गए, फिर लौट आए। मौलाना को लगा अरे यार हम ही बताए थे इसको। तो मौलाना भी पढ़ के चले, जैसे चले डूब गए। बहुत बड़े संत थे वेस्ट एशिया में, बयाजिद। तो दोनों लोग उनके पास गए कि महाराज यही सिखाए थे हमको, ये डूब जा रहे हैं और हम चल रहे हैं। तो कहे तुम बहुत यकीन से पढ़ते हो, इनको पता तो है यकीन नहीं है। धर्म इतनी बड़ी चीज है, हम तो इतने लोग गाली वाली देते रहते हैं, ये है वो है, हम राम को नहीं मानते। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, जाओ चाय पियोगे? नहीं नहीं जाओ। अब हम ठेका लिए सबको धर्म मनवाने का, मत मानो है? हम सबको ठेका लिए मत, बहुत हमारे दोस्त हैं, हम नहीं मानते, हम हिंदू धर्म को नहीं मानते, हम हनुमान हनुमान को नहीं मानते। बहुत अच्छा, जो
बीड़ी पियोगे? नहीं नहीं तुम इतना लोड क्यों लेते हो? जब हिंदुस्तान के लोगों के पास मौका आया, मतलब हम अगर इस वक्त दलित होते तो हम अपनी टाइटल लिखते पांडे शुक्ला तिवारी, कौन रोक लेता हमको? सब दलितों को यही टाइटल लिखनी चाहिए, अगली जनरेशन कोई जाने नहीं पाएगा। नहीं, हम होते तो हम यही लिखते। 20 साल में सब इक्स मिक्स हो जाता, पता नहीं चलता ओरिजिनल वाले कौन है नकली वाले कौन है। लेकिन ये चीज वोट बैंक के खिलाफ है। वोट बैंक राजनीति जो ना कराए, अब कौन रोकेगा? अब कोई रोक सकता किसी को उपनिषद पढ़ने से, रामचरितमानस रामायण पढ़ने से? अभी तो सहे समय था।